हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। और आज हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को स्टार्ट करेंगे। आज हम क्या कौन से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो इसका पहला टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हम मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को मेनली दो भागों में बांटा गया है, एंटीरियर पार्ट और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट। तो एंटीरियर, एंटीरियर ओपनिंग क्या है? ओपनिंग माउथ। और पोस्टीरियर, पोस्टीरियर एनस। माउथ को दो भागों में बांटा गया है, बकल कैविटी और दूसरा ओरल कैविटी। ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी के भी दो पार्ट है। एक पहला टिथ, दूसरा मस्कुलर टंग। टिथ सॉकेट ऑफ जोवन कंटेन करेगा, सॉकेट ऑफ जॉ बोन। ह्यूमन एनिमल में थिकोडोंट टाइप डेंटलिशन होगा। ह्यूमन के लाइफ साइकिल में दो दो सेट्स ऑफ टीथ आएंगे, जिसमें पहला मिल्क टीथ और दूसरा एडल्ट टीथ आएगा। ह्यूमन टू सेट्स इन लाइफ साइकिल। मस्कुलर टंग में अटैच्ड विथ ओरल कैविटी बाय फ्रेगनम कैविटी बाय फ्रैग्नम। फ्रैग्नम के द्वारा ओरल कैविटी से अटैच्ड होता है मस्कुलर टंग। मस्कुलर टंग का अपर पार्ट कौन सा होगा? अपर पार्ट मस्कुलर टंग का पर पार्ट है पिपली। पिपली जो टेस्ट वर्ड कंटेंट करता है, जिसमें टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होंगे। ह्यूमन में डाइभाइडंट टाइप का डेंटेशन होता है, मतलब टीथ दोनों अपर और लोअर जो में ह्यूमन वियर करेगा। और जिसमें दो बार टीथ आते हैं, पहला टीथ एक मिल्क टीथ
मिल्क टीथ और दूसरा एडल्ट टीथ। तो ह्यूमन में, ह्यूमन के एडल्ट टीथ में 32 टीथ होंगे, ह्यूमन के एडल्ट में 32, और जो फोर पेयर में प्रेजेंट होंगे, फोर टाइप्स होंगे, इसलिए हेट्रोडंट कहेंगे। फोर टाइप्स में कौन कौन आएंगे? इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और चौथा मोलर। तो इसमें 2, 1, 2, 3 टाइप का डेंटिशन होता है, और ऐसे चार पेयर प्रेजेंट होंगे, दो लोअर जो में और दो अपर जो में, इसलिए 2, 1, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 4 जा 32 टोटल एडल्ट ह्यूमन में टीथ होंगे। ओरल कैविटी, लीड्स टू फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है? कॉमन ओपनिंग टू फूड एंड एयर, कॉमन ओपनिंग है, और फूड एंड एयर, और फेरिंग्स के बाद आएगा ओसोफेगस। ओसोफेगस में ट्रैकिया प्रेजेंट होंगे। ट्रैकिया क्या है? विंड पाइप, जो फेरिंग्स में ओपन होंगे, टू फेरिंग्स। जो फेरिंग्स में ओपन होंगे, इपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? इपिग्लोटिस, इपिग्लोटिस ओसोफेगस में ही प्रेजेंट होंगे। इपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है? प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लोटिस, ग्लोटिस में फूड को एंटर करने से रोकता है इपिग्लोटिस। ओसोफेगस लीड्स टू, ओसोफेगस के नीचे कौन आएगा? स्टोमक, स्टोमक, स्टोमक क्या है? कहाँ पे लोकेटेड है स्टोमक? अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी के अपर और लेफ्ट पोर्शन में स्टोमक प्रेजेंट होगा, और स्टोमक यू शेप्ड है, पोर्शन एब्डोमिनल कैविटी। डोमिनल कैविटी, स्टोमक को तीन पार्ट में बांटा गया है। तीन पार्ट में कौन कौन है? कार्डिक, कार्डिक फंडिक, और तीसरा
पोलियोरिक, पोली ओरिक, और पोलियोरिक कहाँ पे ओपन होगा? ओपन इनटू फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। और कार्डिक का क्या होगा? कार्डिक ओसोफेगस से ओपन होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन का थ्री पार्ट्स है, तीन पार्ट्स है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन कौन? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो कि यू शेप्ड है, यू शेप्ड। और दूसरा जेजुनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, जेजुनम लॉन्ग क्वाइल्ड पार्ट है, लॉन्ग क्वाइल्ड। और तीसरा पार्ट है इलियम, इलियम। इलियम जो कि हाईली क्वाइल्ड है। हाईली क्वाइल्ड। और इलियम किस में ओपन होता है? इलियम ओपन इनटू, ओपन इनटू इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन तीन पार्ट है। कौन कौन? सिक्कम, सिक्कम, कॉलोन, कॉलोन एंड रेक्टम। सिक्कम, कॉलोन एंड रेक्टम। सिक्कम स्मॉल ब्लाइंड सेक है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एसोसिएशन बनाने में हेल्प करता है। सिक्कम स्मॉल ब्लाइंड सेक सिंबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और सिक्कम किस चीज में ओपन होगा? सिक्कम ओपन होकर तीन पार्ट बनाएगा, ओपन इनटू असेंडिंग, ट्रांसवर्स, तीसरा डिसेंडिंग।
और सिक्कम से ही वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एराइज होता है, फॉर्म अपेंडिक्स एराइज। सिक्कम से वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स एराइज होता है। सिक्कम का डिसेंडिंग पार्ट ओपन होता है रेक्टम में टू रेक्टम, और फिर से रेक्टम किस में ओपन होता है, ओपन इनटू एनस इनटू एनस। वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस टू रेक्टम, वॉल्स वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल ओसोफेगस टू रेक्टम। टू रेक्टम फोर लेयर वाल होगा, फोर लेयर में कौन कौन आएंगे, सीरोसा मस्कुलरिस सब में को सा और लास्ट में को सा। सीरोसा आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट जो किस चीज से बने होते हैं, मेड फ्रॉम मीजोथीलियम, मीजोथीलियम से बने होते हैं, फ्रॉम मीजोथीलियम। मस्कुलरिस फॉर्म बाय बाय स्मूथ मसल। मस्कुलरिस स्मूथ मसल से बने होते हैं। सब में फेसा लूज कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं। टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ ग्लैंड आएंगे, ब्लड और लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ ग्लैंड, लिम्फ बेसल, लिम्फ बेसल। और सब म्यूकोसा में ड्यूडेनम ग्लैंड प्रेजेंट होंगे, ग्लैंड प्रेजेंट होंगे म्यूकोसा। म्यूकोसा एक स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक विली, म्यूकोसा में फिंगर लाइक विली प्रेजेंट होंगे। जैसा पहला लेयर है सीरोसा आउटर लेयर है जो मीजोथीलियम से बने होते हैं, और उसके इनर लेयर है मस्कुलरिस जिसका इनर सर्कुलर है, सर्कुलर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल है। उसके नीचे वाला लेयर है सब म्यूकोसा और लास्ट का लेयर है म्यूकोसा। म्यूकोसा का लास्ट का लेयर है म्यूकोसा, इसमें फिंगर लाइक
इनफॉल्टिंग प्रेजेंट होंगे। मिकोसा में फिंगर लाइक इनफॉल्डिंग प्रेजेंट होते हैं और जिससे हम विली कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड तीन तीन ग्लैंड होंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन? पहला सलाइवरी ग्लैंड, और दूसरा लिव, और फिर से पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज। लीवर लार्जेस्ट ऑर्गेन है। लार्जेस्ट ग्लैंड है जिसका वेट 1.2 to 1.5 kg होता है एडल्ट में ही। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, और लीवर एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है। सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी बाइलोब्ड होगा, मतलब दो लोब होगा जिसमें एक हेपेटिक लोब है, और हेपेटिक लोब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर है। लीवर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेन हिपैटिक सेल, हिपैटिक सेल कंटेन करेंगे, कंटेन हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल्स हिपैटिक सेल का प्रत्येक लोब, ईच लोब से लोब हैज थिन कनेक्टिव टिश्यू सेथ ग्लिसन्स कैप्सूल। टिश्यू सेथ जिसे ग्लिसन्स कैप्सूल के नाम से जानेंगे। ग्लिसन्स कैप्सूल और सेलेबरी ग्लैंड के थ्री पार्ट्स होंगे। थ्री पार्ट्स में कौन कौन? पैरोटिड्स, पैरोटिड्स जो चीक में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा सब मैगजिलरी, सब सब मैगजिलरी जो अपर जो है, और तीसरा सब मैंडिबुलर लोअर जो। सब मैंडिबुलर जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा? बोलो, बिलो द टंग, द टंग, टंग के नीचे वाले सतह पर प्रेजेंट होगा।
सिलेवरी ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है? सिलेवरी ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। जस्ट आउटसाइड द बकल कैविटी। ठीक है, जस्ट आउटसाइड प्रेजेंट होता है कौन? सिलिवरी ग्लैंड। गॉल ब्लैडर गैस्ट्रिक डक्ट। गॉल ब्लैडर गैस्ट्रिक डक्ट गैस्ट्रिक डक्ट और हिपेटिक डक्ट मिला करके मिल करके प्लस हिपेटिक डक्ट डक्ट मिल करके क्या बनाता है? कॉमन बाइल डक्ट। बाइल बाइल डक्ट एंड पेंक्रियाटिक डक्ट ओपन टुगेदर द ड्यूडेनम अस कॉमन हिपेटो पेंक्रियाटिक डक्ट बाय स्फिंक्टर कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉडी। बाइल डक्ट और पेंक्रियाटिक डक्ट टुगेदर ड्यूडेनम में ओपन होंगे। बाइल डक्ट एंड पेंक्रियाटिक डक्ट टुगेदर ओपन द ड्यूडेनम। ओपन द ड्यूडेनम ड्यूडेनम टुगेदर ड्यूडेनम में ओपन होंगे आस किस तरह से? आस कॉमन ही वेट टू पैंक्रियाटिक डक्ट। आस कॉमन हिपेटो पैंक्रियाटिक हिपेटो पैंक्रियाटिक जिसे क्या कहेंगे? कॉल्ड स्पेक्टर ऑफ ओडी। स्पेक्टर ऑफ ओडी लास्ट है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करेंगे। क्या क्या? इंडोक्राइन और दूसरा एक्सोक्राइन। जिसमें इंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन? इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन सिक्रीट्स पैंक्रियाटिक जूस। पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। सिक्रीट पैंक्रियाटिक जूस सिचुएटेड बिटवीन यूसेप ड्यूडेनम। यूसेप्ट ड्यूडेनम में सिचुएटेड होंगे। ड्यूडेनम और इंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या सीक्रेट करेगा? इंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करेगा। हार्मोन हार्मोन में कौन कौन आएंगे? इंसुलिन आएंगे।
इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, और हम लोग इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डाइजेशन ऑफ फूड को पढ़ेंगे। तो हमारे आगे वाली वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके, और इससे अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।